देश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन और रूस की सीमा से यूक्रेन के सैनिकों ने एक यूक्रेन सैनिक का डेड बॉडी और एक रूसी सैनिक का डेड बॉडी प्राप्त किया है। खोजबीन में एक रूसी सैनिक और एक यूक्रेन के सैनिक का डेड बॉडी मिला है। दरअसल यूक्रेन के सैनिकों को इन दोनों डेड बॉडियों को खोजने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, ड्रोन की सहायता लेनी पड़ी। कोजाचा लोपान एक गांव है सीमा पर खारकीव क्षेत्र में, वहां से ये डेड बॉडी मिला है दोनों सैनिकों का, एक रूस के और दूसरे यूक्रेन के सैनिक का डेड बॉडी हासिल हुआ है। दरअसल खारकीव क्षेत्र में यूक्रेन की सेना के लिए एक बहुत अच्छी खबर, खारकीव क्षेत्र में जो काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन के सैनिकों ने हाल के दिनों में यानी 6 सितंबर से किया था उसमें सफलता मिली है और रूस के सैनिकों को पीछे ढकेल दिया। जब रूस के सैनिकों को पीछे ढकेला गया तब वहां वैसे सैनिकों की खोजबीन शुरू हुई जो यूक्रेन के समूह से यानी यूक्रेन के सैनिकों का जो दल था उसमें से जो सैनिक गायब थे उनकी खोजबीन शुरू की गई। तब पाया गया कि एक यूक्रेन के सैनिक नहीं मौजूद है और फिर कोजाचा लोपान गांव में उस सैनिक के डेड बॉडी को लोकेट किया गया ड्रोन के जरिए। और वहां क्योंकि युद्ध का माहौल है, लगातार शेलिंग चल रही है, हालांकि रूस के सैनिकों को पीछे ढकेल दिया गया है, ओस्किल रिवर जो कि फ्रंटलाइन था रूस के सैनिकों का उसके पीछे ढकेल दिया है यूक्रेन के सैनिकों ने, तो यूक्रेन के सैनिकों के लिए बड़ी सफलता। लेकिन यूक्रेन के सैनिक का शव बरामद किया गया है युद्ध के मैदान से, लगातार शेलिंग की जा रही है। वहां यूक्रेन के सैनिकों का दल पहुंचा, पहले यूक्रेन के सैनिक के पार्थिव शरीर को पाया गया, उसे ठीक तरीके से रखा गया बैग में और उसी के बगल में एक रशियन टैंक था जो कि बर्बाद हो गया था युद्ध में, वहां से रूसी सैनिक का एक शव हासिल किया गया। दरअसल ये जांच का विषय होगा आने वाले वक्त में कि क्या ये वॉर क्राइम के तहत दोनों को मारा गया है, ये देखना होगा, वो आने वाले वक्त में जांच में पता चलेगा। लेकिन काउंटर ऑफेंसिव में जो युद्ध में पलटवार किया है, युद्ध की रणनीति यूक्रेन ने बदली, उसमें रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और जो अभी सेलिंग हो रही है वो रूस की सीमा के अंदर से हो रही है, यानी रूस की सीमा इतनी नजदीक है, कोजाचा लोपान जो गाँव है वहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रूस की सीमा लगती है। पूरा का पूरा खारकीव ओब्लास्ट का जो क्षेत्र है वो पूर्वी क्षेत्र है यूक्रेन का और उत्तरी हिस्सा भी कुछ आता है, तो उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है वहां लगातार यूक्रेन की सैनिकों ने हाल के वक्त में कब्जा किया। 6 सितंबर को काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत की थी और आज की तारीख में यानी 17 सितंबर तक जो फ्रंटलाइन था रूस का उस इलाके में उससे पीछे ढकेल दिया गया है। कह सकते हैं कि वहां रूस के सैनिकों की हार हुई है, जो उन्होंने जमीन कब्जा किया था, करीब 3000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो रूस के सैनिकों के कब्जे में थी यूक्रेन की खारकीव क्षेत्र की, उस पर कब्जा कर लिया है यूक्रेन के सैनिकों ने, तो एक बड़ी सफलता। लेकिन दो सैनिकों का शव बरामद किया गया है, एक यूक्रेन के सैनिक और दूसरे रूस के सैनिक, क्या वॉर क्राइम के तहत आता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन खारकीव ओब्लास्त क्षेत्र में जब यूक्रेन के सैनिकों ने दोबारा से अपना दबदबा कायम किया, रूस के सैनिकों को पीछे ढकेला, तो कई ऐसे शहर हैं जहां टॉर्चर सेंटर का आरोप लगाया गया है यूक्रेन की तरफ से। 10 ऐसे टॉर्चर सेंटर का नाम लिया गया है जहां रूस के सैनिकों ने ज्यादती की, प्रताड़ित किया लोगों को, चाहे सैनिक हो या सिविलियन हो, ऐसे 10 टॉर्चर सेंटर का भी नाम आया है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वॉर क्राइम के तहत ये आता है कि नहीं, क्योंकि ये जांच का विषय है, ना तो सिर्फ यूक्रेन की तरफ से जांच किया जाएगा ना तो रूस की तरफ से, आने वाले वक्त में जो भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो जांच करेंगी कि युद्ध क्राइम के तहत ये तमाम चीजें आती हैं कि नहीं। लेकिन खारकीव क्षेत्र में बड़ी सफलता यूक्रेन को, लेकिन दो सैनिकों का शव बरामद किया गया, रूस के भी एक सैनिक और यूक्रेन के भी एक सैनिक का।